हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो एडिटिंग करने से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को काइन मास्टर में वीडियो कैसे एडिट करते हैं ये बताऊंगा। एक पूरा ट्यूटोरियल है, आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप वीडियो एडिट करना सीख नहीं पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल कवर की है कि किस तरीके से आप काइन मास्टर में एक अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में वीडियो एडिट करना सीखना है तो शुरू से लेकर के आखिर तक देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब तक आप लोग वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाओगे तब तक मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है इश्तियाक शेख और आप लोग देख रहे हैं डिटेल टॉकिंग चैनल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। जस्ट आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाना है। देखिए, काइन मास्टर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ये ओपन हो जाता है, ओपन हो जाने के बाद आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से रेशो आपको चूज़ कर लेना है। तो 16:9 में ले लेता हूँ और उसके बाद ये जस्ट ओपन होएगा। आप यहाँ पर कोई सा भी वीडियो, जो भी आपको वीडियो क्लिप एडिट करनी है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। मैं अपने फोल्डर से अपना एक पुराना वीडियो निकाल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल लिया। ये जस्ट 14 सेकंड का है। मैं इसको आपको एडिट करके बताता हूँ। अगर आपको इसके अंदर कोई भी, मान लो आपको फ़ोटो ऐड करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे लेयर्स पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। कोई सा भी फ़ोटो आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अपने फोल्डर में जाइए जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा होगा। मैं एक ये सैमसंग है, इसका मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए, सैमसंग का मोबाइल है, नोट 20 अल्ट्रा, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया है। अभी मैं यहाँ पे जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ पर ये फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ, यानी कि जिस जगह चाहिए मुझे मैं वहाँ पे जा कर के ये ऐड कर सकता हूँ। आइए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए आएगा। फ्रेंड्स, तो ये थे नोट 20 अल्ट्रा के सारे फीचर्स। ये देखिए आ गया। अभी अगर आपको इसे एनिमेशन देना है तो आपको ये फ़ोटो पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो सारे ऑप्शन है, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। तो मैं यहाँ इन एनिमेशन पे जाता हूँ और ये देखिए सारे ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शन पसंद आता है आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ ड्रॉप के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से मैं टाइम भी जो है इसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ कि 0.5 सेकंड्स, 1 या 1.5 सेकंड्स। तो यहाँ मैं 1.5 सेकंड्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब फिर से एक बार चला के देखते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, तो ये थे नोट 20 अल्ट्रा के सारे फीचर्स और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए। अब आपको मैं दूसरा इसका ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि आपको वीडियो का वॉइस पूरा बंद करना है तो आपको जस्ट वीडियो पे आपको आपके क्लिप पे ऐसे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो आपको साउंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर जस्ट ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे 100% पे रहता है, आप चाहें तो इस पर 200% तक इसको बढ़ा सकते हैं या तो पूरा इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। मैं एक बार पूरा ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ राइट का जो क्लिक का जो ऑप्शन दिया उस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। अब वापस से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वॉइस एकदम जा चुकी है। इस तरीके से आप अपने वीडियो क्लिप का वॉइस घटा बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वीडियो के ऊपर टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। तो वापस से आपको अगर टेक्स्ट लगाना है तो वापस से आपको लेयर पे जाना है। यहाँ जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपने
चैनल का नाम लिख देता हूँ, डिटेल टॉकिंग चैनल, ये देखिए डिटेल टॉकिंग, यहाँ पे मैं लिख दिया, ओके कर दिया। आप इसे कहीं भी ले जा करके सेटिंग कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं इसे। यहाँ पे जो आपको डबल ए का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे, आप कोई सा भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट इस पर ये जो नोटो सेरिफ बोल्ड इटैलिक है इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। अब अगर मुझे इसे कलर करना है तो यहाँ पे आपको जो है वाइट कलर का ऑप्शन दिख रहा है, ये बॉक्स, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने कलर चूज़ कर लिया है और राइट क्लिक कर देता हूँ। देखिए रेड हो गया पूरा। और उसके बाद मैं इधर पे से इसका आउटलाइन चेंज करता हूँ, तो ये जो आपको आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है, ये एनेबल करना है। आप यहाँ से कोई सा भी आउटलाइन दे सकते हैं, मैं वाइट कलर दे देता हूँ, अभी देखते कैसा लगता है। इसका आप ओपेसिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जो वेट लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको ये टेक्स्ट किधर जहाँ चाहिए आप वहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इमेज के थोड़ा सा उसी के ऊपर लेवल पे मैं लगा देता हूँ। अब मैं इसका भी एनिमेशन सेटिंग कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे मैं कर देता हूँ, ये देखिए इधर पे। और आप जस्ट इसका एनिमेशन जैसे कि आपने फ़ोटो का किया था वैसे इसका भी कर सकते हैं इन एनिमेशन। तो मैं इसे स्लाइड अप कर देता हूँ यहाँ से ऐसे जाए, ताकि अब हम दोनों को प्ले करके वापस से देखते हैं। तो ये देखिए आ गया। आप इसे कोई सा भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं, या इन एनिमेशन पे जाने के बाद आप इसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर अगर आपको जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये डिटेल टॉकिंग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ एनेबल करूँगा और उसके बाद जो सा भी बैकग्राउंड मेरे को चाहिए मैं वो ले लूँगा। यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ, ये देखिए हो गया येलो शेड हो गया पूरा। और उसके बाद आप मतलब ये सारे ऑप्शन यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग के लिए आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जैसे कि यहाँ पे क्रोमा की का इस्तेमाल करना है, जैसे अगर मैं वापस से आपको जिस ग्रीन स्क्रीन है उसका अगर आपको पूरा इस्तेमाल करना है तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है, मैं जस्ट वापस से लेयर पे जाऊँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए ये मैं अपने ग्रीन स्क्रीन के फोल्डर में गया, ये ग्रीन स्क्रीन का एक वीडियो ले लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आपको इधर पे क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, जैसे आप इसे एनेबल करेंगे ये गायब हो जाएगा पूरा ग्रीन स्क्रीन, ये देखिए गायब हो गया। अब उसके बाद आप जैसे इसे प्ले करेंगे तो ये देखिए आ गया सब्सक्राइब का बटन। अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि आपको अगर इसे एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। मैं देखो कर देता हूँ, ये हो जाता है ग्रीन स्क्रीन का, कोई सा भी ग्रीन स्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोमा की से, जो कि काइन मास्टर में आपको मिल जाता है यहाँ से। अभी अगर आपको कोई फ़ोटो लगाना है और उसे क्रॉप करना है तो यहाँ पे आपको क्रॉप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक वापस से आपको फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, यहाँ मैं मीडिया में आया, यहाँ डाउनलोड्स पे आया और ये मैं इधर पे ये रैम को ले लेता हूँ। देखिए पूरा वाइट वाइट है चारों तरफ इसका बैकग्राउंड, मेरे को अगर इसे क्रॉप करना है तो जस्ट मैं इधर आऊँगा, यहाँ देखो आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस क्रॉप के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जितना भी आपके फ़ोटो को इमेज को क्रॉपिंग करना आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ऐसे, ये देखिए हो गया। अब यहाँ से आप ओके कर दो और फिर आप इस पे वापस से यहाँ नीचे क्लिक करेंगे ना तो इसको आप रिसाइज कर सकते हैं ऐसा। अभी मैं इसको वापस से थोड़ा सा आगे ऐसे लगा देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर रैम का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। अब अगर आपको किसी भी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर देना है, वॉइस मतलब कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका जहां पर आपको वीडियो के ऊपर ही वॉइस देना है पूरा, मतलब जैसे मैंने इस वीडियो का जो साउंड है वो बंद कर दिया है, अब आपको वहां पर कोई दूसरा साउंड आपको बोल के लगाना है जैसे कि मिमिक्री होती है, तो आपको ये जो वॉइस का ऑप्शन दिख रहा है ना वहाँ पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट के बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेलो ये है मेरा डिटेल टॉकिंग चैनल, आप फिर से स्टॉप कर दीजिए। अभी मैं आपको सुनाता हूँ पूरा वॉइस आगे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेलो ये है मेरा डिटेल टॉकिंग चैनल आप। तो इस तरीके से आप वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूब पर मिमिक्री के जो वीडियोस आते हैं आप उस पर यहाँ पे ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं। सेकंड एक का आपको मैं ऑप्शन दिखा दूँ, जैसे कि न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा नीचे एक टेक्स्ट चलता रहता है तो वो आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जस्ट आपको ये लेयर पर जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपको ये मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको ये बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वहाँ जाना है और ये ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है। आप इसे थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर जो आपको ये सीज़र कैंची के बाजू में जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है वाइट कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है और ये जो आपको ऊपर से इस साइड वाला ये ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ये दूसरे वाले पे नीचे आ गया। अब आपको नीचे जाना है, ये जितना भी आपको बैकग्राउंड चाहिए टेक्स्ट जितना बड़ा लगाना है आप उतना सेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से और जहाँ तक आपको लगाना है, जैसे मैं पूरा इतने दूर तक कर लेता हूँ कितना ये रहा, और ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो भी आप देख लीजिए आपके ऊपर है, मैं यहाँ से लगा देता हूँ। अब मैं इधर पे ये टेक्स्ट के ऑप्शन पे इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी आप कम कर सकते हैं, आपको ये देखिए अल्फा ओपेसिटी दिख रहा हो इस पे जाना है। आप ये जितना नीचे करते जाएंगे आपको उतना ये ब्लर होता जाएगा, तो बस मैं इतना रख लेता हूँ। और उसके बाद आपको ये वापस से लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ये टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वहाँ पे लिखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके बाद आपको करना क्या है कि ये टेक्स्ट को आप थोड़ा इसे बड़ा कर लीजिए या जितना भी आप चाहिए, मैं यहाँ थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसे बोल्ड कर लिया है और ऐसे कर देता। आप इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं आपके ऊपर है। और फिर इसे यहाँ एकदम एंड में लगा दीजिए। एंड में लगाने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो की का ऑप्शन दिख रहा है आप उस की पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको जस्ट यहाँ से एक बार ये वीडियो को इस साइड टेक्स्ट तक लेकर के आना है, जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है ना ये टेक्स्ट वहाँ पे लेकर के आना है और फिर आपको ये टेक्स्ट को ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ऐसे करके आपको धीरे 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 लेकर के आना है और फिर यहाँ जब आप साइड में ला करके छोड़ देंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो प्ले करके देखना है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेलो ये है मेरा डिटेल टॉकिंग चैनल, कैसे सब्सक्राइब मेरा चैनल चलता गया। ऐसे करके आप इसका चाहो तो स्पीड
स्लो भी कर सकते हो। कैसे? इस पे क्लिक कीजिए टेक्स्ट पे और इसको थोड़ा सा ऐसे साइज आप बढ़ा दो। अब यहाँ से मैं आपको सब पहले ये वॉल्यूम कम कर देता हूँ, कि वॉल्यूम जो मैंने अभी इसे वॉइस ओवर के लिए दिया था उसको कम कर देता हूँ। ये देखिए कम कर दिया। अब आप मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम स्लोली स्लोली जा रहा है। सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही आप जैसे मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल में चलता है वीडियो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि जैसे आप वीडियो के ऊपर भी आप वीडियो किस तरीके से जोड़ सकते हैं। मतलब आपका एक क्लिप ये हो गया, अभी आपको दूसरा क्लिप लगाना है तो आपको वापस से ये जो मीडिया का फोल्डर दिख रहा है, जो बटन दिख रहा है, उसके ऊपर आप जाओ। और जाने के बाद आपको वापस से कोई क्लिप है आपकी, आप उस पर जाओ। मैं यहाँ पे अपने फोल्डर पे आ जाता हूँ और उसके बाद ये देखिए मैं आया और कोई सा भी एक वापस से सेम मैं ले लेता हूँ। जो मैंने वीडियो इधर लगाया था वही वीडियो फिर से मैं ले लिया आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो ये हो गया मेरा दो वीडियो। आप ऐसे ऐसे करके कितने भी क्लिप्स यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और अगर क्लिप के बीच में आपको कोई एनिमेशन देना है तो ये जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ना, आपको उस पर प्रेस करना है। यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको जो भी एनिमेशन देना है दे दीजिए। मैं ये पावरफुल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऑन स्टेज लिख करके आया, जैसे स्टेज चलता है ना वैसे आपको दिखाई देगा। इस पर आ गया। अब आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्ले हो गया। इस तरीके से आएगा। मैं इसका भी एक वीडियो का जो वॉइस है वो कम कर देता हूँ। ये देखिए ये तो दो पार्ट को मैं जोड़ करके आपको बता दिया। अभी आपको अगर वीडियो में कोई चीज़ कट करके निकालनी है, जैसे कि किसी जगह पर आपका वो वीडियो गलत हो गया, आपको उसको कट करके निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट आपको वीडियो पर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये जो सीजर का जो निशान दिख रहा है, सिंबल है, उस पर आपको क्लिक करना है। और ये स्प्लिट एट प्ले हेड जो लिख कर गया है इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपका वीडियो जो है वो दो भाग में चला गया है, डिवाइड हो गया है। और फिर आपको जो भी वीडियो आपका जो पार्ट्स है वो आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से एक बार और इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ये देखिए स्प्लिट मैंने कर दिया। अब ये जो बीच का पार्ट अगर मेरे हिसाब से गलत है तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है मैं उस पर उसको क्लिक कर दूँगा। देखो वो डिलीट हो गया। तो मैं ये वीडियो पूरा डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से डिलीट मैंने कर दिया। अभी अगर मुझे वीडियो के अंदर कोई म्यूज़िक ऐड करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ऑडियो का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको उस पर जाना है, क्लिक करना है और जो भी आपको म्यूज़िक चाहिए उधर पे आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये म्यूज़िक लगा देता हूँ। आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और इधर पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको ये स्टार्टिंग से लगाना है तो जस्ट इसको होल्ड कीजिए और स्टार्टिंग से लेकर के आ जाइए। और आपको लगेगी ये वॉइस मतलब ये जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा है, वीडियो से भी ज़्यादा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप उस पर ऐसे क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पे जो ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये जो ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड है उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपका यहाँ पर सेम टू सेम जितना आपका वीडियो उतनी साइज़ का आपका ये म्यूजिक आ गया। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ।
इस तरीके से। प्लस आपको अगर इसका वॉइस कम करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम का बटन है वहाँ पे जाइए और आप यहाँ अपने हिसाब से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये देखिए अभी आपका ये वॉल्यूम जो है कम हो गया। ऐसे से आप कितने भी लेयर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको लेयर्स लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं बैक जाता हूँ इसके। ये देखिए यहाँ बैक हो गया। आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाना है और एकदम स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है। ये जो एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन ऑन करना होगा अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड का, तब जा कर के आप कितने भी लेयर्स अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। मैं वापस अपने उसी वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करूँगा तो वापस एडिटिंग का आ जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया वॉइस ओवर कैसे करते हैं और आपको वीडियो कैसे जोड़ना है, म्यूज़िक कैसे लगाना है और ये सारे ऑप्शंस जो इधर पे आते हैं वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जगह पे अगर आपको जैसे कुछ गलत है या आपको किसी चीज़ को ब्लर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं रैम जो इमेज है उसको मैं ब्लर करता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको जैसे लेयर पर वापस जाना है, ये जो इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहा है ये इफ़ेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक इफ़ेक्ट्स दिख रहा होगा, इस पे आपको जाना है। ये जो आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, मोज़ेक और गॉशियन ब्लर, मैं गॉशियन ब्लर ले लेता हूँ। ये देखो पूरा ब्लर हो गया है। इसे एडजस्ट करने के लिए मैं वापस से इस पर से क्लिक करूँगा, देखो ऑप्शन आ जाता है एडजस्ट करने का। मैं अपने इस फोल्डर पर लेकर के जाता हूँ, ये इमेज पर, सॉरी इमेज पर लेकर के जाता हूँ और इसको मैं इसे ब्लर कर दूंगा। अब मैं आपको वापस से प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज था वो ब्लर हो गया था। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको अगर इस पे हैंड राइटिंग जैसे ऑप्शन कुछ लिखना है, जैसे कि आपको कुछ आपको बताना है कि ये इस साइड का आपको सिंबॉलिक करना है, हाईलाइट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो लेयर है इस पे आपको जाना है, यहाँ पे हैंड राइटिंग के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए सिंबल लगाना है। मैं ये स्क्वायर टाइप पर रहने देता हूँ और जैसे कि यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब माई चैनल, मैं उस पर आपको एक बार बताता हूँ करके। ये देखिए ऐसे जाइए और उसके बाद आपको वापस से इस पर एक बार क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे आप ड्रॉ बाय स्ट्रोक रख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि धीरे धीरे चले। अब आपको अगर अब जब प्ले करेंगे तो देखिए किस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखे। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपको बताना रहता है कि ये चीज़ है या ये चीज़ है, तो आपको उस पर जो ड्रॉ करना रहता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये तो सारी चीज़ हो गई, आप लोगो भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको जितने भी लेयर्स ऐड करने हैं आपको यहाँ से जाके करना होगा। मीडिया इफ़ेक्ट्स टेक्स्ट और हैंड राइटिंग आपको बता दिया मैंने, सारी चीज़ें आपको यहीं से करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको अगर ये HD में फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं आपको वापस से बैक करता हूँ और यहाँ लेकर के जाता हूँ। ये देखिए जो सेटिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है वापस उस पर जाइए। आप अपने डिवाइस की जो है कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि 720 पिक्सल्स पे है कि 1080 पिक्सल्स पे, तो आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन पे से क्लिक करना है और यहाँ जो आपको 3 डॉट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जो रन एनालिसिस दिख रहा है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो रन एनालिसिस नाउ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस इन प्रोग्रेस। इससे होता है क्या, बहुत बार आप जब वीडियो एडिट करते हो तो लास्ट में जब आप उसको एक्सपोर्ट करने जाते हो तो कोडेक इनिशिएट फील्ड आता है, तो ये आप करने के बाद आपको आपकी डिवाइस की कैपेबिलिटी मालूम पड़ जाएगी
अगर आपको 1080 पिक्सल सपोर्ट है तो आप उस पर कर दीजिए, नहीं तो 720 पिक्सल्स पे रहने दीजिए। तो उसके बाद क्या है, वो आपको है ना वो डिवाइस इनिशिएट फेल्ड जो रहता है, कोडिंग इनिशिएट फेल्ड, उसका आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एरर आपको नहीं आएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे बता देगा आपका डिवाइस क्या कितना कैपेबिलिटी है। मेरा देखो 720 पिक्सल्स दिखा रहा है, बट मैं यहाँ वापस 3 डॉट पे जाऊँगा तो मैं अपना जो है रन एनालिसिस करके हाई रेजोल्यूशन पे जो मैं सेटिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद आप वापस से आ जाइए अपना वीडियो को एडिट करने के लिए इधर पे। ये आपका सारा वीडियो जो था वो एडिट हो चुका है इस तरीके से। और उसके बाद अगर आपको फिर आपको जब ये वीडियो तो अभी एडिट हो चुका है, एडिट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस पे जस्ट जो एरो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो 720 पिक्सल्स, 540 पिक्सल्स, 360 पिक्सल्स, ये सब है। ये बिट रेट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिट रेट बढ़ा लेता हूँ, 2 MB का कर लेता हूँ, फिर मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ। ये एक्सपोर्ट करने के बाद जो है मेरा वीडियो जो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। देखिए वीडियो मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वाकई में अच्छी लगी है तो जरूर लाइक का बटन दबाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी दबा देना दोस्तों, ताकि मेरे सारे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहे। और मैं आगे भी ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल वाले वीडियोज देता रहूंगा, ऐसे वीडियोज दूंगा जिसमें आप कुछ सीख सके, आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।